हर्षित हरिया धनिया नहीं खाता है ना, इसलिए बिना धनिया के बनाए और फिर ऊपर से धनिया डालती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये बिना धनिया के नहीं खाते और हर्षित धनिया के पोए नहीं खाता है, तो देखना पड़ता है दोनों का ही। लाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। ये सारे बैलून्स को इस तरह से टब में भर के रख दिया है, क्योंकि सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। नहीं तो यहाँ पे एक रस्सी झूले की टंग रही है और दूसरी पंचिंग बैग की, और यहाँ पे सुबह की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सुबह सुबह है ना, ये हमारा ना आगे से खुला ही है ना घर, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो टेबल है, पलंग वगैरह, इन सबको डेली साइज साफ़ करती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था। फिर और किसी ना किसी कॉर्नर को ले लेती हूँ साफ़ करने के लिए। मुझसे पूछ रहे थे आप लोग कि है ना, अगर जब ऐसे सफाई वगैरह कर लेते हो तो फिर उसके बाद में ना आप नहा के फिर करते हो, आप तो सुबह जल्दी नहा लेते हो। तो हाँ, मैं कर लेती हूँ और डेली से है ना करते रहते हैं, तो इतनी गंदगी होती नहीं है। आप कोई सा भी कॉर्नर लेंगे, इतनी गंदगी उसमें निकलती नहीं है, तो फिर ना आराम से हो जाता है। और ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर ही उसको रखती हूँ फ्लावर, इसको तो अच्छा लगता है देखने में। ये प्लांट्स वगैरह ना, इनकी लीफ को इधर यहाँ पर ही धो लेती हूँ नल के अंदर ही, इधर नल के नीचे ही, तो इनको भी फ्रेश फ्रेश, और ये थोड़ी ताज़ा ताज़ा सी लगती है, अच्छी लगती है देखने में, ग्रीन ग्रीन। इनके ऊपर धूल मिट्टी बहुत सारी जम जाती है वरना, तो ये देखिए इस तरह से पानी भी डल जाता है, और यहीं पर ही ऐसे कर लेती हूँ मैं कैसे। लेकिन ये वाली जो प्लेट्स थी ना, इन्होंने ली थी और ये रखे रखे ही ना सब में ना, ऐसे देखो क्रैक हो गई, तो मैं इनका क्या करती हूँ, पॉट के नीचे रख देती हूँ। प्लांटर्स एंड प्लांट्स इनके नीचे रख देते हैं, क्योंकि इसमें से पानी निकलता है ना, तो इनके नीचे रख देते हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है। और ऐसे यहाँ पर ही धो कर के, मतलब ऐसे डेली डेली नहीं, लेकिन ऐसे तीन चार दिन में ऐसे धो करके रखा हुआ अच्छा लगता है देखने में। आलू के पराठे बना रही हूँ। यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे, मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर, ज़्यादा सी चटपटे अच्छे लगते हैं। धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। अगर आपके घर में हरा धनिया है और सौंफ खाते हैं तो आप वो भी डालिए, क्योंकि हर्षित नहीं खाता है इसलिए मैंने अवॉइड किया है, वरना आप हरा धनिया और सौंफ भी डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और साथ में बना रही हूँ थोड़ा सा रायता बथुए का, तो दही फेंट लिया है बथुए का, बथुआ जो है मैंने पीस करके रखा हुआ था बॉईल करके, तो उसको भी डाल दिया है मैंने। और मेरे पास थोड़ा सा ही दही था, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इनके लायक बना रही हूँ, क्योंकि इनको पराठे के साथ में दही चाहिए ही चाहिए, रायता चाहिए ही चाहिए होता है, और हर्षित को आलू के पराठे के साथ में दही चाहिए होता है, तो उसका थोड़ा सा दही मैंने अलग निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं इनके लिए रायता बना रही हूँ, रायते में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, लाल मिर्ची डालती हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा पाउडर, बस इसके अलावा कुछ नहीं डालती। शाम हो गई है दोस्तों, और दोपहर में सो गई थी, बिंदी गिर गई है सोते सोते, और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि बिना चाय के आँखें नहीं खुल रही, आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा वाला।
चाय बनाते हैं चलो। तो चाय चढ़ा दिया यहाँ पर और बिंदी लगा रही थी एक्चुअली मैं, तो कोई सी भी बिंदी लगा लेती हूँ। ये ऑरेंज कलर की बिंदी है मेरे पास, है ना, ये वाला पत्ता था इसके अंदर 3 या 4 बचे, तो मैं सोच रही थी इनको लगा के नक्की करूँ तो फट जाएगा, तो मैंने यही वाली लगा ली है। और मैं साड़ी भी आजकल पता है एक दिन दूसरी पहनती हूँ, एक दिन याली पहनती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी मोटी सी साड़ी है ना, तो विंटर्स में पिन जाएगी, इसलिए मैं इस साड़ी को ज़्यादा पहनती हूँ। एक दिन कोई सी भी पहन लेती हूँ फिर, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी यही वाली साड़ी पहनती हूँ ताकि विंटर्स में पिन जाए। ये वाली साड़ी है ना मुझे इतनी ज़्यादा खास लगती नहीं, इसलिए मैंने घर में निकाल ली। तो चाय बन जाए, नींद आँखें नहीं खुलती है जब तक है ना चाय नहीं मिल जाए। चाय मतलब एक शाम के टाइम नशा सा हो गया है आजकल, तो ऐसा हो गया है कि अगर सुबह के टाइम चाय नहीं पीऊँ ना तो सिर में दर्द होने लग जाता है, तो आदत सी हो गई है चाय पीने की। अब मुझसे मंदिर के बारे में पूछ रहे थे कि मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और मेरे दूसरे वाले चैनल पे मैंने उसको डाला हुआ भी है। और वैसे मंदिर जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कि हमारा फेस जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में रहे। लेकिन अगर आप अपने बेडरूम में बना रहे हैं, वैसे तो आप बेडरूम में अवॉइड ही कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, जैसे कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं कहाँ पर बनाऊँ, तो मैंने बेडरूम में बनाया है, तो उस समय आप नॉर्थ डायरेक्शन में ना बेडरूम को मंदिर को बनाइए कि आप जब पूजा करें तो आपका मुंह जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहे। तो इस तरह से आपको अपने रूम में ना वो जो मंदिर है वो बनाना चाहिए। और पूछ रहे थे आपकी लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है वो उसमें रख सकते हैं क्या अलमारी के अंदर, तो हाँ, जहाँ पर आप पैसे वगैरह रखते हो उस जगह पर आप लक्ष्मी जी है गणेश जी है उनको रख सकते हो, कोई बात नहीं है। कुबेर जी को भी रख सकते हो, कई लोग तो कुबेर जी को भी रखते हैं, मैंने नहीं रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आते हैं और मैं जैसे बातें करती हूँ तो मुझे ना मालूम है कि कुबेर जी को भी ना उसके अंदर रख देते हैं। बाल बना लिए हैं, बाल बना के थोड़ा सही लग रहा है, आरती कर लिए है शाम की और स्वेटर भी पहन लिया है शाम की, सुबह शाम तो ठंड रहती है, नीचे एक ब्लाउज टाइप पहन के रखती हूँ, तो ऐसे सीना होता है ना ये ढका रहता है, क्योंकि दिन में काम करते हैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, तो ये सीना ढका रहा है जैसे। और स्वेटर तो खैर मैं जैसे सुबह शाम पहन ही लेती हूँ। और आप मेरे नेल्स के लिए पूछ रहे थे, तो नेल्स ना मेरे नेचुरली बड़े होते हैं, और देखिए नेल पेंट है ना 2 दिन भी नहीं चलती है, और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना ये एरोप्लेन जरूर 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 आता है मेरा वीडियो मेरी वीडियो में अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रेजेंट लगाने के लिए ये एरोप्लेन जरूर आता है। तो मैंने ना यहाँ पे ना नेल पेंट है ना मेरा 1 दिन भी नहीं चलता, काम करते हैं ना कपड़े वपड़े धो और ये सब करो तो बर्तन होता है हट जाता है। और मेरे नेल्स के लिए आप बोल रहे थे मैं क्या लगाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती, मेरे नेचुरली बढ़ते हैं और मैं बढ़ाती भी नहीं हूँ सही बताऊँ तो। अब ये इतने बड़े हो गए ना मैं बस इनको काट दूंगी, मैं नहीं बढ़ाती हूँ। और जैसे अब जब इतने इतने तक मैं रहती हूँ कि बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे रहने दो, लेकिन जब जैसे इतने इतने बड़े हो जाते हैं ना तो फिर मैं इनको कट कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब ये टूटते हैं ना और ये गलत जगह से टूटते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। वैसे मेरे कभी टूटे नहीं है, टच वुड 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 ही नहीं है कहीं पर, अरे चौकी में तो वुड चट टच वुड मेरे ना नेल्स वगैरह टूटते नहीं है। लेकिन हर्षित के एक बार ना नेल पैर के अंगूठे का ऐसा पका था ना इतनी जोर से टूट करके, तो तब से मुझे बहुत डर लगता है। और नेल से ना शादी से पहले और शादी के बाद भी, मतलब जब तक हर्षित नहीं हुआ था ना तब तक मैंने नेल्स को बढ़ाया था, लेकिन शादी के बाद में जब हर्षित हुआ उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला भाई नेल्स वेल्स फैशन वैशन छोड़ देना अब, तो तब से लेके मैंने फिर नाखून नहीं बढ़ाया, फिर मैं बढ़ाती ही नहीं हूँ। मेरे जो नाखून है इन्हें मैं कट ही कर लूँगी अभी आजकल में, आज कौन सा वार है, वार देख के कट करती हूँ, बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को नहीं काटते हैं, आज बृहस्पतिवार नहीं है लेकिन अब रात में भी नहीं काटते हैं, तो पता नहीं ये अंधविश्वास है या क्या, लेकिन मैं भी नहीं काटती हूँ। जो सुन लेते हैं और जो कर सकते हैं वो कर लो, नहीं जो नहीं कर सकते हैं और सुन लिया है, मतलब इतना भी अंधविश्वासी नहीं हूँ और इतनी भी विश्वासी नहीं हूँ, मतलब आप समझ लीजिए क्या समझे। और हाँ, मंदिर के लिए ना आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सी डायरेक्शन में मंदिर बना रखा है, सब अपने अपने मंदिर का बताइएगा। वैसे तो डायरेक्शन देख करके ही मंदिर बनाना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन ये भी होता है कि अपन अपनी कंफर्टेबल अपनी कन्वीनियंस भी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी मंदिर बनता है, तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शाम का खाना बना लेते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं। समय समय पर
इनकी भी सफाई करनी पड़ती है। इसके नीचे की साइड है ना पन्नी बिछा कर रखती हूँ मैं, इससे ना जो कोई भी कचरा वचरा होता है तो वो इसके ऊपर ही आ जाता है, तो बस इसको झड़कारना होता है इस तरह से। और अगर पन्नी ख़राब हो जाती है तो फिर दूसरी बिछा लेती हूँ। और आलू को उसमें भर के रखती हूँ, क्योंकि बंदर आए थे ना, ऐसी बास्केट नहीं है मेरे पास, तो बंदर आए थे ना तो उसका ढक्कन, ये डब्बा उठा कर ले गए थे, तो ढक्कन तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो यहाँ पर इसको ऐसे रखती हूँ और इसको भी यहीं पर ही रख देती हूँ। और एक ये है जिसके अंदर कागज़ बिछा के रखती हूँ, तो ये कागज़ ऐसा ऑयल का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली डब्बी रखी रहती है ऑयल की, तो दूसरा कागज़ चेंज करूँगी। तो पुराना हटा दिया है और ये वाला बिछा दिया है, बस इसके अंदर इस तरह से रख देती हूँ। मम्मी ये डू है, मम्मी ये डू है, इसको ये कौन सा नया पड़ोगा ना, डब्बे को यहीं पर ही रख देती हूँ आलू का, और यहाँ पे प्याज रख देती हूँ, तो जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ आलू। इसका भी ढक्कन गंदा हो रहा था, इसे भी मैंने पोंछ दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी ड्राइव करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्लो और भी केयरफुल होकर के चलाया कीजिए, क्योंकि रास्ते में जब कोई जानवर आ जाता है, इंसान आ जाता है तो केस हो जाता है और ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब जानवर आ जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। और लोग इतना मतलब फास्ट स्पीड पे ले जाते हैं और जानवरों को मार देते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो जो है वो वायरल हुआ था, उसको देख करके मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे कई लोग होते हैं बंदरों को पत्थर मार देते हैं, उनके खून निकलता रहता है, या फिर ना गाय होती है उसको मार देते हैं, या कुत्ते होते हैं गली में घूमते हैं उनको मार देते हैं। तो देखिए, अगर आप खाना नहीं खिला सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें मारिए नहीं, उन्हें मार करके उनका खून निकाल दें। उनके लिए कोई एम्बुलेंस तो आती नहीं है कि कोई एम्बुलेंस आएगी और उनको लेकर के जाएगी हॉस्पिटल, तो उनको हॉस्पिटल तो कोई ले जाने वाला है नहीं। वैसे होता है जो लोग समाज सेवा करते हैं और जानवरों में भी आत्मा रूपी जीव देखते हैं तो वो लोग करते हैं सेवा, लेकिन हम तुम जो होते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, वो इतना नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको कोई भी हार्म ना पहुंचाए। तो प्लीज़ आप ड्राइव जो है थोड़ा स्लो कीजिए, बी केयरफुल होकर के कीजिए, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आपके बच्चे हैं वो चलाते हैं, हस्बैंड चलाते हैं, तो उन्हें भी आप ये वाली बात बताइए कि थोड़ा देख करके चलाएं। और तो बस इंसानियत है, इंसानियत को मरने मत दीजिए, क्योंकि इंसानियत ही है जिसकी वजह से, ये ह्यूमिनिटी ही है, ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति यही है जिसकी वजह से हमारे भारत देश को आज भी है ना जाना जाता है। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें कर गई हूँ तो पता नहीं, क्योंकि ज्ञान की बातें किसी को समझ में नहीं आती है और सब लोगों को बेकार लगता है कि ये क्या ज्ञान देती रहती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे ऐसे बोलता है, तो क्योंकि मैं कहते हैं ना कि बिना मांगे तो सलाह देनी नहीं चाहिए किसी को। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इन जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।